यज्ञ भारतीय संस्कृति के पिता है और गायत्री भारतीय संस्कृति की माँ है। यज्ञ का अर्थ होता है सत्कर्म और गायत्री का अर्थ होता है सद्ज्ञान। भारतीय संस्कृति की जितनी भी हमारी विरासत और परंपरा है, आदिकाल से हमारे कल्याण के लिए ऋषियों ने निर्मित किया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति। ईश्वर ने धरती बनाई तो साथ में यज्ञ भगवान को धरती पर भेजा और ये कहा कि जो यज्ञ करते हैं उनका कल्याण होता है और जो यज्ञ नहीं करते उनका कल्याण कभी नहीं होता। यज्ञ एक विज्ञान है, किसान यज्ञ के इस विज्ञान को जानते हैं। यज्ञ देने का विज्ञान है, यज से यज्ञ बना है और यज मतलब यजन करना, देना अर्थात बोना। किसान इस बात को जानता है कि एक बीज यदि बोएंगे भूमि उर्वरा है और उसे संरक्षित करेंगे, उसे सिंचित करेंगे तो एक दिन एक बीज हजार बीज बन के मिलने वाला है। एक सेठ जी बहुत अमीर थे, बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटों को हम ये विरासत सौंप दें। तीन बेटे थे, सोचने लगे कि इनमें से कौन बुद्धिमान है जो हमारे इस संपत्ति को संभाल पाएगा। तो उनको जांचने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थाटन करने जाऊं, मैं तीर्थ में जाऊं और मेरे पास कुछ सामान है, मैं जब लौटूं तो मेरा सामान मुझे उसी रूप में मिले। एक क्विंटल गेहूं तीनों बेटों को एक एक क्विंटल दिया और कहा लौटने के पश्चात मुझे इतना ही ऐसा ही गेहूं चाहिए। चले गए तीर्थाटन में, वो तो जांचने के लिए गए थे। एक बेटे ने सोचा कि तिजोरी में बंद करके रख देता हूं तो एक भी घटेगा नहीं और पिताजी आएंगे तो हम एज इट इज जितना है निकाल के दे देंगे, तिजोरी में रख दिया। दूसरे बेटे ने सोचा कि ये खराब हो सकता है इसलिए बेच के पैसा रख दिया कि आने से पहले खरीद लेंगे उतना और फिर उनको दे देंगे। काम तो अच्छा किया इसने भी। लेकिन तीसरे ने ऐसा नहीं किया, उसने खेत की सफाई की और सारे गेहूं को खेत में बो दिया। जब लौट के आए तो 100 क्विंटल और बाकी एक बेटे का तो सड़ चुका था और एक खरीद के लाया। यज्ञ का विज्ञान यह है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जितना बोते हैं उतना ही नहीं बल्कि हजारों गुना अधिक काटते। इस संसार के खेत में एक बीज अगर हम प्रेम का बोते हैं तो हजारों गुना प्रेम हमें पूरे जगत से मिलता है। एक बीज सहकार का बोते हैं तो हजारों तरफ से सहकार की प्राप्ति होती है। एक बीज घृणा का बोते हैं, एक बीज ईर्ष्या और द्वेष का बोते हैं तो हजारों तरफ से हमें वैसी ही चीजें मिलती हैं। जो हमने बोया है वही काटते हैं। यज का अर्थ तीन प्रकार से लिया जाता है, देव पूजन संगतिकरण और दान। दान देव पूजन संगतिकरण से मान लें तो हम देव पूजन से समझते हैं। यज्ञ जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कहा कि यज्ञ नहीं करेंगे तो जीवन सुखी नहीं रहेगा। तो चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लोग कहते हैं दूसरे संप्रदाय के लोग तो यज्ञ नहीं करते फिर सुखी कैसे हैं, वो कहीं ना कहीं इस दर्शन को जरूर अपनाते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा करो ये यज्ञ है तो आपके लिए भी अच्छा होगा। और तीन बातें जो अभी बताने जा रहे हैं इनमें से भी आप ध्यान रखना कि जो नहीं करेगा वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो तो दुखी रहेगा। देव पूजन का अर्थ है देवताओं का पूजन, तो देवता डिवाइन वर्चूज दैवी गुण अच्छी आदतें अगर उनको जीवन में स्थान नहीं देते हैं
अर्थात हम देवताओं का पूजन नहीं करते हैं तो यज्ञ नहीं करते हैं, हम दुखी रहेंगे। और देव पूजन दैवी गुणों को धारण करना है, केवल उनकी मूर्तियों को पूजते रहना नहीं। मूर्ति तो प्रतीक है, उसके पूजा में भी लाभ है, लेकिन वो पूजा इसलिए है कि वो गुण हमारे जीवन में आ सके, और जीवन में ही ना आ सके तो लाख भोग लगाते रह जाइए, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और जीवन में कष्ट बना ही रहेगा। लोग कहते हैं भक्त लोग दुखी दिखाई देते हैं, भक्ति का तकनीक भक्ति की गलत है। भाव रखिए, भोग लगाइए, लेकिन भगवान के बताए हुए रास्ते पर भी चलिए, जीवन में अच्छे गुणों को भी अपनाइए तो देवता प्रसन्न होंगे, ये यज्ञ है। दूसरा है संगतिकरण, मिलजुल के जो रहते हैं वो यज्ञ करते हैं। तकरार, बिखराव, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, झगड़ा, लड़ाई, तनाव, आप यज्ञ से दूर हो गए। एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, हमारा साथ नहीं देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी कृपा तो बरसात की तरह है, घर देख के बरसात नहीं होती है, वो बरसती है, जिसके बर्तन खुले हैं वहां भर जाता है, और जिसके उल्टे हैं उनके पेंदी में भरता है, और जिनका पेंदी भी गायब है तो उनका नीचे गिर जाता है। बोले मतलब जो यज्ञ करते हैं उनको मेरी कृपा मिलती है और जो यज्ञ नहीं करते उनको नहीं मिलती। तो जांच लीजिए, असुरों ने कहा कि हम भी यज्ञ करते हैं, इतने बड़े बड़े हवन करते हैं, इतनी आहुति डालते हैं, इतने ब्राह्मण खिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया देवताओं को भी और असुरों को भी, बुलाकर भोज दिया, लाइन में बिठाया, पहले असुरों को हाथ सीधे करो, सबने हाथ सीधे कर दिया असुरों ने, ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ा, हाथ सीधा ही रह गया, अब मुड़ता ही नहीं। 56 भोग परोस दिया, अब गिनती कर लेना, संदेश, रसमलाई, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जितने प्रकार के सब ला के रख दिया। अब बोली भोजन शुरू, अब यहां से उठाए, इधर से निशाना लगाए, क्योंकि मुड़ता नहीं था, तो सबका किसी का पीछे जा रहा है, किसी का इधर जा रहा है, और कहते राक्षस लोगों के बड़ी बड़ी मूछें होती है, सब दही इधर लग जाए उधर लग जाए, किसी का पेट नहीं भरा। जब देवताओं की बारी आई तो उनको भी कहा कि हाथ सीधी करो, सीधा कर दिया, अब मुड़ता ही नहीं। 56 भोग रख दिया, भोजन शुरू, उन्होंने कहा यज्ञ करो, सामने वाले के थाली से उठाया और सामने वाले के मुंह में खिला दिया, पड़ोस वाले की थाली से उठाया उसके मुंह में खिला दिया, मोड़ने की जरूरत नहीं। सहयोग और सहकार से जीवन सुगम सरल बनता है, ये यज्ञ है। एक परिवार में अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो परिवार नरक बन जाएगा। यज्ञ घर में ना हो, हमने सोच लिया केवल स्वाहा, यज्ञ मिलजुल के रहना है, संगति करना, और यज्ञ दान है। जो भी प्रतिभा क्षमता हमारे पास है उनमें से जरूरत से ज्यादा जो है वो जरूरतमंदों तक देना, ये दान है। भूमि है तो भूमि दिया तो यज्ञ किया हमने, रक्त है तो रक्त दान किया तो यज्ञ किया हमने, अनाज है तो अन्न दान किया हमने, यज्ञ किया। और अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटा तो हमने महायज्ञ किया, और जीवन समर्पित किया समाज और राष्ट्र के लिए एक साधु तो महायज्ञ किया। एक बार महाभारत की घटना है, महाभारत में यज्ञ हुआ तो पूछा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कि हे केशव, इतना बड़ा यज्ञ तो सृष्टि में किसी ने नहीं किया होगा, लाखों संतों ने भोजन किया, इतना दक्षिणा दिया गया। बोले नहीं, ये यज्ञ उतना बड़ा नहीं। तो बोले कौन बताएगा, देखा एक पानी में कीचड़ में एक नेवला लोट लगा रहा था, और बड़ा विचित्र नेवला था, आधा शरीर सोने का। पूछा नेवले से कि इतना महायज्ञ तुमने देखा है कभी, बोले ये तो उतना बड़ा नहीं है, हमने एक देखा है। बोले वो कैसा था, कितने लाख साधुओं ने भोजन किया था, कितनों को दक्षिणा मिली थी,
बोले वो छोड़िए, वो यज्ञ बताता हूं। 7 दिनों से एक ब्राह्मण परिवार भूखा था, भोजन नहीं मिला क्योंकि भिक्षा से काम चलता था। कहीं से थोड़ा आटा मिला, उन्होंने रोटी बनाई और जैसे खाने जा रहे थे 14 दिनों का एक भूखा आ गया। उसने भिक्षाम देही कहा, पूरे परिवार ने पूरी रोटी उसको दे दिया और जहां खाकर उसने हाथ धोया मैं उधर से गुजरा, वो जूठा पानी मेरे शरीर में लगा, आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं ढूंढ रहा हूं कि वैसा कोई महायज्ञ मिल जाए जहां लोट लगाने से मेरा आधा शरीर भी पूरा सोने का हो जाए। त्याग, बलिदान, समर्पण, दिव्य भाव, ये यज्ञ है। तो यज्ञ की ये फिलॉसफी है। यज्ञ का विज्ञान यह है कि इसमें जो औषधियां डाली जाती है वो वातावरण को शुद्ध करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यज्ञादि भवति प्रजन्य, प्रजन्नादि अन्न संभवा। यज्ञ से प्रजन्य की वर्षा होती है, जो धुआं जाता है हर्बल युक्त औषधि युक्त वो बादलों के साथ भूमि पे आता है और जमीन उपजाऊ हो जाती है। भोपाल में गैस कांड हुआ, लाखों लोग मरे, लेकिन जिनके घर में नित्य यज्ञ होता था उनमें से एक भी नहीं मरा। आज नए नए बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, कोरोना है तो डेल्टा है तो कुछ और है। जिसके घर में यज्ञ होगा ये चैलेंज है, वहां नहीं लगने वाला, क्योंकि सारे बैक्टीरिया वायरस। अभी रिसर्च कहता है कि चीनी और घी से आहुति डालने से ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु मरते हैं। यह हमारा कहना नहीं, यह रिसर्च है। तो यज्ञ हमारी संस्कृति की धरोहर है। केवल स्वाहा स्वाहा कर लिए नहीं, समझ के यज्ञ करिए। इसलिए निर्णय किया कि हम खुद यज्ञ कराएं। और आनंद की बात यह है कि सब लोग थे, रतन बाबू थे और निरंजन जी, रात में 1-2 बजे तक कुंड बना। आप तो चले गए, ये पेंट होता रहा, क्योंकि काम चलाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन जिंदगी जीने के लिए है, काम चलाने के लिए नहीं। इसलिए हर पल हर क्षण उत्सव होना चाहिए, बोझ समझ के नहीं काम को, आनंद में। लोगों को लगा कि आनंद आ रहा है, 2 बजे हम लोग गए यहां से। तो ये यज्ञ एक विज्ञान है, और एक विज्ञान और है, देवाधीनम जगत सर्वा, मंत्राधीनम देवता। देवताओं के अधीन सारी दुनिया होती है और मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। और मंत्र किसके अधीन है? ऋषि धीनम मंत्रा, संतों के अधीन मंत्र होता है और वो मंत्र पढ़ते हैं, देवता खींचे चले आते हैं।